बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी है ये तीन परियों की, जो कि आपके दांत उठा के ले जाती हैं। जी हाँ, तो जंगल के बिल्कुल बीच में, जहाँ पे बड़े लोग नहीं जाते थे, वहाँ पे एक छोटा सा जादुई गांव था और उसे कहते थे ऑर्डन गार्डन्स। वहाँ पे तीन दांतों की परियां रहती थीं, टूथ फेरीज उनके नाम थे, इंसाइजर, केनाइन एंड मोलर। और वो अपने काम में, फैक्ट्री में बिजी थी, मसरूफ थी। ये इन तीनों के नाम दांतों की किस्मों के हिसाब से रखे गए थे। इंसाइजर का मतलब वो वाले दांत जो सामने के दांत होते हैं, जिनसे हम खाते हैं। K9 दांत वो दांत हैं चार, जो के तीखे जरा ऊपर कोने वाले नोकदार होते हैं। और मोलर, जिनको हम दाढ़ें कहते हैं, पीछे वाले जो दांत चौड़े, जिनसे हम चबा के खाते हैं। ठीक है, ये तीनों परियां दांतों की परियां थी और वो फैक्ट्री में बिजी थी, वो फैक्ट्री में मसरूफ थी अपने काम में। इंसाइजर लंबे कद की और बहुत पतली सी थी और छोटे छोटे गुलाबी रंग के उसके बाल। केनाइन जो है वो भी लंबी थी, लेकिन उसके बाल जो हैं वो नीले रंग के थे। मोलर, उसका कद छोटा था और उसके बाल जो हैं वो सिल्वर कलर के थे। इसका मतलब है कि वो ज्यादा उम्र की थी और बहुत अक्लमंद भी थी। सारा दिन ये परियां दांतों को साफ करने में लगी रहती। कौन से दांत? दूध के दांत, जो वो रात के वक्त बच्चों के इकट्ठे करती थी, उनको साफ करती थी और चमकाती थी। और ये दूध के दांत जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते थे? वो ऑर्डन गार्डन्स की सड़कें बनाने और जो छोटी छोटी परियां हैं उनके घर का फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। एक दिन इंसाइजर ने महसूस किया कि जो दांत अब फैक्ट्री में साफ करने के लिए आ रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत नहीं हैं, जैसे कि पहले हुआ करते थे। ओह, इंसाइजर है, उसने कहा, ये दांत जो हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं और भुरभुरे हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं और इनके ऊपर काले रंग के निशानात भी होते हैं। और जैसे ही मैं इनको साफ करने लगती हूँ या इनको पॉलिश करने लगती हूँ, तो ये टूट जाते हैं। केनाइन कहती, हाँ, और मुझे पता है कि क्या चीज गलत हो रही है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल पता है इस बात का। तो पता है उसने क्या बताया? उसने कहा कि बच्चे जो हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा टॉफियां, मिठाई या मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दी हैं और इस वजह से जो है वो उनके दांत खराब है, और साथ साथ वो अपने दांतों को साफ भी नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो जो मोलर थी, जो कि बहुत वाइज, सबसे ज्यादा अकलमंद थी उसमें से परी, उसने कहा कि मुझे पता है हमने इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी, पुरजोश थी, कि जो उसको आइडिया आया था, जो उसके ज़हन में ख्याल आया था किस तरह से हमने ये सब कुछ ठीक करना है। तो तीनों परियां जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर इंतजार करने लगी कि मोलर जो है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, क्या बताएगी। वो उसको देखने लगी और उसका जो ख्याल था वो बहुत ही शानदार था हमेशा की तरह। तीनों परियों ने बगैर टाइम वेस्ट किए अपना बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया और फौरन अपने काम में लग गईं। केनाइन जो है वो उड़ी ताकि वो दांत जो हैं, वो दूध के दांत जो बच्चों के, वो इकट्ठे करे। जब वो सो रहे होते हैं, उनके पिल्लों के नीचे से, उनके तकिए के नीचे से वो उठा के लाती थी जब वो सो रहे होते थे। वो उड़ के गई और जब वो उड़ी तो साथ उसके पास
पैसों का बैग था एक, उसके अंदर पैसे थे, थैला था, और कुछ जो है वो सैंडविचेस थे उसके पास, और कुछ उसने कार्ड्स भी बनाए थे। इन तीनों ने मिलके पूरी शाम में वो कार्ड्स बनाए थे, तो वो भी साथ उसने लिए। बहुत ही मजा आ रहा था उसको कि एक जंगल से निकल के और वो आसमानों पे उड़ रही थी, और नीचे जो है अब उसको सिटी में यानी शहर में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही थी। उसको बहुत को कोई पार्टी दे दी गई हो उसको ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उसको पता था कि बहुत खतरनाक है परियों के लिए शहर में जाना, ये जगह उनके लिए बहुत खतरनाक है। कैनाइन ने ये बिल्कुल पहले देखना था कि कहीं लोग जो हैं वो उसको देख ना लें। आसमान सितारों से भरा हुआ था, खूबसूरत सा, उससे उड़ते हुए वो शहर को देख रही थी कि सब लोग सो रहे हैं। वो पहले सबसे पहले वो एक जगह पे रुकी। वहां एक लड़का था छोटा सा जिसका नाम जूनियर था। उससे पहले, उसके आने से पहले, उसकी अम्मी जो हैं उन्होंने और जूनियर ने मिलके उसका दांत जो है वो दूध का दांत टूटा था वो पिल्लों के नीचे रखा था, तकिए के नीचे रखा था, और मम्मी ने उसको बताया था उसका बिस्तर सेट करते थे उसको लिटाते हुए कि आज जो है वो परी आएगी और तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ जाएगी तुम्हारे पिल्लों के नीचे और ये जो दांत है वो ले जाएगी। उसको प्यार किया और छोड़ के चली गई ताकि वो सो जाए। और जब कनाइन पहुंची, जूनियर बिल्कुल गहरी नींद सो रहा। वो ऊपर विंडो से उड़ के आई और जल्दी से जूनियर के पिल्लों के नीचे चली गई, और फिर उसने वहां से तैयारी करना शुरू की कि जो काम उसने करना था। फिर जब वो वहां पे मौजूद थी तो उसने जोर लगा के तकिया ऊपर को उठाया और नीचे से दांत निकाल लिया और जल्दी से उसको उठा के अपनी कमर पे रख लिया। उसने वहां पे दो कॉइन्स रखे, पैसे रखे, और साथ ही जो परियों का स्पेशल कार्ड उसने बनाया था वो उस तकिए के नीचे रख दिया, और दांत को वो उठा चुकी थी पहले ही, तो उसके बदले में ये दोनों चीजें उसने रख दी। अगली सुबह जब जूनियर की आंख खुली वो बहुत खुश था। उसने देखा उसके तकिए के नीचे दो कॉइन्स थे, पैसे थे, वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने कार्ड भी उठा लिया, कार्ड उसके हाथ में था लेकिन उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था, क्योंकि मम्मी ने इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की थी। वो हैरान था कि मम्मी ने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ मुझे पैसों का बताया था। फिर वो उस कार्ड को पढ़ने लगा ऊंची आवाज से। ये दांतों की परी का पैगाम था सेहतमंद दांतों के लिए। नंबर वन उसने कहा था कि हमेशा सेहतमंद चीजें खाएं, यानी जो सेहत के लिए अच्छी हैं। दूसरी बात उसने कही थी कि मीठी चीजें खाना छोड़ दें तो नहीं, बस कम कर दें। और इसी तरह से जो आप मुख्तलिफ किस्म की हर वक्त बोतल पीनी है या जो मीठी मीठे शरबत पीते रहते हैं वो, और अपनी चॉकलेट्स कैंडीज जो है वो कम कर दें। तीसरी बात ने कही थी कि हमेशा रोजाना दो दफा ब्रश करें, एक सुबह में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। चौथी बात कि जो टूथपेस्ट आप यूज करेंगे वो फ्लोराइड वाला हो। पांचवी बात थी कि हमेशा अपने डेंटिस्ट को यानी जो दांतों का डॉक्टर है उसके पास जाते रहें ताकि आपके दांतों का ख्याल रख सके। पीछे अगर हम देखें तो गांव में जो परियां थी वो बहुत ही खुश थीं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये नई इंफॉर्मेशन वाला मालूमाती कार्ड जो है देना शुरू किया था बच्चों को, उसकी वजह से उन्हें बहुत बेहतर दांत मिल रहे थे। अब जो दांत दूध के दांत उनके पास आ रहे थे वो फिर से बहुत मजबूत और सेहतमंद दांत थे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ने अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू कर दिया था।
आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं कि नहीं? अगर नहीं रखते तो आज से फिर से शुरू कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।